हमको ही बताइए यार, अगले सेमेस्टर में काम आएंगे। तो पहले नंबर टिप्स आपको बताऊं तो मैं, क्या है कि तुम कॉलेज में भैया रुको, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताइए, आपका आज कौन सा एग्जाम था? मेरा बीटेक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का था। अच्छा, तो कैसा गया? पहले सबसे पहले ये बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताऊँ तो बहुत जोर का गया भाई, दिल गार्डन हो गया। अच्छा, क्या है कि मैं कुछ पढ़ा नहीं। अच्छा, पूरे सेमेस्टर मतलब कुछ पढ़ा नहीं, और मैं एक ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई, उनसे मैंने ऐसे टिप्स की, उनसे मैं पास हो गया। अरे तुमको ही बताइए यार, अगले सेमेस्टर में काम आएंगे। तो पहले नंबर टिप्स आपको बताऊँ तो मैं, क्या है कि तुम कॉलेज में जाओ, कुछ मत पढ़ो, पहले सेमेस्टर मजे लो, ये देखो क्या चल रहा है दुनियादारी में, क्या तुम्हें करना है, मतलब ये नहीं कि तुम मजे लो, खूब मजे लो। तुम्हें अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए पूरी यूट्यूब पढ़ी, उसको जान दो, ठीक है? कॉलेज मतलब कि मजे के लिए है। अब तुम्हें अगर सेमेस्टर क्लियर करना है और उसमें एग्जाम है तुम्हारे, कैसे करोगे मैं बताऊँ? तुम्हें कुछ नहीं करना, एंड टाइम पे जो 2 या 3 दिन मिले उनमें तुम कमरे में आइसोलेटेड हो जाओ। आइसोलेटेड उसमें तुम कहाँ ध्यान मत दो, कौन सी दुनिया बाहर की है, क्या मेरी अंदर है, क्या मेरी खराबी क्या खूबी, ठीक है। तुम बस लो यूट्यूब और एक नोट बुक जिसमें लिखोगे अपने नोट्स, पुस्तिका और बैठे रहो पूरे दिन भी नहीं, हाँ इतना मात्र 10 घंटा ले सकते हो, इतना अगर तुम्हें पोटेंशियल है 10 घंटा पढ़ लिए तो बहुत है। तुम बस यूट्यूब पे बस वीडियो लेक्चर देखो, उनके नोट्स बनाओ, 2 दिन तो सिर्फ तुम की वीडियो। अच्छा, कोई चैनल आप सजेस्ट करना चाहोगे यूट्यूब की? अगर ये आपका ईक्यू से है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा निशा मैम है, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी पढ़ाती है, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी, उनसे पढ़ना आपको एक नंबर पढ़ाएंगे आप। निशा अंजलि मैडम भी है, उनके अंजलि मैम की जो फुल वीडियो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी निशा मैम की होती है, लेकिन अंजलि मैम की टॉपिक वाइज वीडियो होती है बड़ी जोर की होती है। हाँ, वो टॉपिक वाइज पढ़ाती है और एकदम शॉर्ट में पढ़ाती है जिसमें कि बंदा समझ जाता है। हाँ, दोनों मैडम बड़ी जोर की है। और तुम्हें नोट्स चाहिए फिर तो तुम गलगोटिया के एक नोट्स पढ़े हुए हैं, उसके नोट्स पढ़े, उसको डाउनलोड कर लो और देखो क्या है कि मतलब ज्यादा नोट्स लेने। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हो आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए। 4 साल के लिए सेम है सब सिलेबस, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसके नोट्स पढ़ो। तो चलिए भाई को आप जाने देते हैं, और तुम बस मजे लो पूरे दिन लास्ट में बस तुम, और मैं बताऊँ और एक टिप्स है, तुम बस 5 सेमेस्टर मतलब 5 साल के सैंपल पेपर उठा लो, पिछले साल के जो आए हुए हैं उन्हें उठाओ, उनमें देखो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको चेक करो, जो रिपीटेड आ रहे हैं मतलब ये समझ लो ठीक है बढ़िया ये आ सकते हैं इस बार भी, तुम उसे ले लो ढंग से पढ़ो, के ले जाओ के ले जाओ, सीधी बात है। नहीं पढ़ा 2 दिन में, जो 2 दिन की टिप्स कुछ नहीं पढ़ा, तुम बस उस सैंपल पेपर को कर लो 5 या फिर एटलीस्ट 2 भी कर लोगे तुम उसमें पास हो जाओगे। बढ़िया, रिकमेंड करना कि लिख के याद करना, जल्दी याद करोगे तो अच्छा है, और सुन सुन के याद होगा और भी अच्छा होता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बताया था डॉक्टर राघवन प्रताप सिंह ने, तो उनको भी थैंक यू, हमने ऐसा उनकी टेक्निक भी अपनाई थी। तो बाय बाय दोस्तों, अब सीधे घर पे मिलते हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 19 फरवरी है, ठीक है? तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा कल 20 मार्च का एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, तो उसकी प्रिपरेशन मेरी ठीक ठाक चल रही है। तो आपको पूरा ब्लॉग मिल जाएगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को। अच्छा, मैं आपको अपनी प्रिपरेशन दिखा दूँ, तो ये देखिए, ये है बैक बेंचर्स की प्रिपरेशन, ठीक है? मैं वही लेजेंड तो नहीं हूँ कि जो पेपर से लाइक एक नाइट पहले पढ़ाई करे, हाँ एक नाइट और आधे दिन पहले पढ़ाई करे। बस गुड मॉर्निंग, हम जग चुके हैं, हम जल्दी नहीं जगे हैं कुछ कभी, आज भी नहीं जगे, अभी आप देख सकते हो ये तो खराब है, तो अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी मैं नहाऊँगा और फिर तैयार हूँ, 8 बजे पहुँचना है मुझे, फिर 9:30 बजे सेंटर पे पहुँचेंगे, तो आपको सीधे 8 बजे मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तो गाइस, हम हो चुके हैं तैयार, तो हम निकलते हैं, ठीक है? ये देखिए,
जील बजाज बाल तो खराब हो ही रहे। ये देखिए हमारे सहपाठी गण टॉपर ऑफ द क्लास ये देखिए ये चल रहे हैं कुछ नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व आ गए हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर। तो वीडियो अब मैं एडिट करूँगा, तो वीडियो आने वाली है आप पे, ठीक है। वीडियो आप अभी अगर इसको देख रहे हो तो वीडियो देख ही चुके होगे, तो वीडियो की एंडिंग है। तो पेपर तो आज अच्छा गया था, अब अगले पेपर की तैयारी करनी है 22 तारीख की। तो आप चलिए तैयारी करते हैं और वीडियो का एडिट करके पोस्ट कर देंगे। तो बाय बाय दोस्तों, और कीप सपोर्टिंग, कीप शेयर दिस वीडियो टू अप योर फ्रेंड्स एंड आदि भाई के ज्ञान का ध्यान रखना, ठीक है।